ये लोग पूछ रहे आपको कलकत्ता में आके कैसा लगा यहाँ का, हिमाचल का लोग? बहुत बढ़िया लगा हमें तो, जैसा हमारा शाहीन बाग में चल रहा है वैसा ही हमें यहाँ मिल रहा है। हाँ, जैसा हमारे शहर में चल रहा है वैसे यहाँ मिल गया। अभी सोच रही है कुछ खतरनाक बोलने वाली है। मोदी जी अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, अभी ज्यादा दिन न हुए हैं, अभी ढाई महीने हुए हैं, और ना तो हम तुम सब उठान के फेंक देंगे। मतलब ये कह रहा था कि
तुम लोग वहाँ बैठ के बिरयानी खा रहे हो, अरे हम तो अपने घर में खा रहे हैं बिरयानी, और तू जो पाकिस्तान खाता है बिरयानी वो क्या बोलते हैं उसको, फिर तुम पाकिस्तान खाने जाते हो बिरयानी। लेकिन इंसान पर मोदी जी बैठ रहे औरत ना रखी गई, वो इंसान क्या सरकार चला सका। मोदी जी पे अपनी बीवी नहीं रखी गई और इतने देश के हिंदुस्तान के लोगों को कैसे संभालेगा। शादी करो, औलाद पैदा करो, फिर मारना, तब तुम्हें एहसास होगा कि दूसरे को औलाद पर मारने का दर्द क्या होता है। और तुम क्या नाम गोली चलवा भेज रहा दे देगा उन्हें, ऐसा क्या हम जानिए, हम तो बैठे ही रहे। और तो भेजी तुमने 500 रुपया मुझे कदमी लेंगे, हमने उसकी भी प्यार था उसका उंगली भी ना लगाई किसी ने, पुलिस के हवाले करी, और लेडी पुलिस देखा आगे चल कर 10 कदम चल कर छोड़ दिया। हमने कही था कि जो हमारे मुसलमान का बच्चा है था हरकत कर देता तो गोली मार कर सुलझा देते। ये गरीब गुंजन आई थी वहाँ पे बिरयानी और 500 रुपए लेने के लिए, तो उसे हमारे वॉलंटियर्स ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने 10 कदम ले जाके उसको छोड़ दिया। इसके बाद दादी ये कह रही है कि वो अगर मुसलमान का बच्चा होता तो तुम उसको गोली मार के वहीं मार देते। शादी कर रहे हो थक गई तो दादी कह रही है हम कहाँ थक रहे हैं अभी। और अमीशा ने जो खड़ा दिया कि 20 आदमी आ जाओ, हमने उनका 20 आदमी की जो आएंगे हमारे 1 लाख है, और हमारे हम तबाह होंगे, जो बताओ हम कहाँ आवे और हमारा पानी पीने का बैठने का खाना खाने का इंतजाम करके बताओ हमें। अमित शाह ने ये बोला कि हम आप लोग जिसको परेशानी हो हमसे आके मिले, सीए पे बात करें, 20 लोग आ जाए शाहीन बाग से बात करने के लिए। तो दादियों ने बोला कि हम 20 नहीं है, हम 1 लाख आएंगे, और कहाँ आना है ये बता दो और हमारे खाने पीने का इंतजाम करो, वही आके बात करेंगे। क्या ना ये हम ना बुला रहे हैं तो तुम्हारा एक मुंह में आग है एक में फूस है, ऐसा क्यों करो हमारा साथ। वगैरह फिर 1 घंटे बाद ये कह दिया है उन्होंने कि हम नहीं बुला रहे, अब पता नहीं तुम्हारे मुंह में क्या बैठा है, सच बोलते हो झूठ बोलते हो, तुम झूठे इंसान हो। अभी सोच रही है कुछ खतरनाक बोलने वाली है। और मोदी जी अभी सुधर जाओ, अभी कैम है, अभी ज्यादा दिन ना हुए हैं, अभी 2.5 महीने हुए हैं, और ना तो हम तुमसे गुआ जोर से उखाड़ कर फेंक देंगे। जरूर, अच्छा जरूर बोला भाई, वो हमारे भी कंफ्यूजन है, जरूर तोड़ेंगे भाई मोदी जी का, आके देखो कलकत्ता वाले मोदी का जरूर तोड़ेंगे, यहाँ आके देखो। ये लोग पूछ रहे हैं आपको कलकत्ता में आके कैसा लगा यहाँ का, माइक का बोलो। खूब बढ़िया लगा हमें तो, कैसा
दिया, इन्हें बुला तो लो बिरयानी खाने कलकत्ता वालों को दिल्ली। हम आइयो हम भी क्या नाम तुम्हारा खूब वो करेंगे कलकत्ता वाले हमारा साथ चलो क्या हम तो पी जाइए हम तो तुम्हारा घर मिल जाइए हमारा घर नहीं खाइयो तुम शाहीन बाग में गाड़ी गाड़ी हमारे साथ चलो शाहीन बाग में कार्रवाई अब खत्म होने वाली है। एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम मुसलमानों को रुसवा करने के लिए एक बहुत आपत्तिजनक बयान वारिस पठान ने दिया था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है। आज मैं उसकी निंदा करते हुए वारिस पठान को जवाब दे रहा हूँ कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी नहीं है, हम 100 करोड़ के आभारी हैं, हम एहसानमंद हैं अपने भाइयों के, हिंदू सिख भाइयों के, आज वो हम लोगों के साथ मौजूद हैं। हम सब खड़े होकर नेशनल एंथम पढ़े, मैं नेशनल एंथम खत्म शुरू बस होगा और ये प्रोग्राम खत्म, उससे पहले मैं कहूँगा चूंकि बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई चल रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राज रत्न अम्बेडकर जी से कि आप खुद अपने दादा का प्राइम्बल एक मिनट में आप प्राइम्बल से पढ़ के सुना दी। मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि भारत के संविधान का प्रीएम्बल जो इस देश को बनाता है, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी इस प्रीएम्बल को पढ़ें और ये शपथ लें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करवाने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अधिकृत आदि नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नईमुद्दीन साहब फुटबॉलर जो कि बहुत मशहूर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जिसका भी नाम मैं तारिफ भाई गुड्डू शाह स्वरण सिंह जी जिसका भी नाम मैं भूल रहा हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मैं नाम भूल रहा हूं। मैं यहां ख़ास तौर से अपनी माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर शब्बीर वारसी तुम्हारे चप्पल भी उठा ले तो तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, आपका एहसान अदा नहीं हो सकता। मेरी माँ बहनों ने जो एहसान दिखाया है, हम भाइयों पर भी लाजिम है अपने बहनों के साथ कहें, ये किसने कह दिया कि हमारी बहनों को अपने हमारी माँ को हमने अकेला छोड़ दिया। ये वो औरतें हैं जिन्होंने कभी घर का दहलीज नहीं लांगा, जो अभी घर कभी घर से बाहर नहीं निकली, तुमने कैसे सोचा कि हमने इनको अकेला छोड़ दिया। जब जब एक औरत घर से बाहर निकलती है उसके पीठ पर चार मर्द खड़ा होता है, उसका बाप उसके साथ खड़ा होता है, उसका शौहर उसका भाई उसका बेटा उसके साथ खड़ा होता है। मैं अपनी तमाम माँ बहनों के लिए चाहता हूँ पूरा ये मैदान जमकर तालियां बजाए, तमाम
देश की महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए। और मैं अपनी एक बहन से जो के आई भी है शाहीन बाग की, वन ऑफ दी मेंबर, वही जनगणना मना पढ़े और पढ़कर आप खत्म कर। सोनू भाई पढ़ेंगे, सोनू वारसी साहब। और जवाद भाई हमारे दाई तरफ बैठे हैं, बहुत जबरदस्त मुकर्रर है, मगर मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग ये बताइए, दो मिनट के लिए आप लोग सुनना चाहते हैं जवाद भाई को? ये लोग शेर लोग हैं, शेर, दो मिनट के लिए रिक्वेस्ट है जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम कोलकाता। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक शेर के साथ जो है अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे सरों के ताज अजायब घर में रखे। अजायब घर, शुक्रिया बहुत बहुत। अनुवारसी भाई आप प्लीज जनागणना मना पढ़े और बहुत रिस्पेक्ट के साथ, इतनी वो नहीं, धीमी जिसे कहते हैं ना हम लोग कलकतिया जुबान में, बुदबुदानी तौर पर नहीं, इतने जोर से आप लोग पढ़े कि करंट झाड़कर होम मिनिस्ट्री में लगे, इतने जोर से पढ़े सब मिलकर नेशनल एंथम। सोनू वारसी भाई आप लोग पहले तो साधन मुद्रा में खड़े हो जाए, तो सम्मान के साथ राष्ट्रगान नमस्कार करते हैं। जो जो खड़ा नहीं है खड़ा हो जाए, जो खड़े नहीं है वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए जी बिल्कुल। जन गण मन गाए जय जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गावे न उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा भूजल शरद गंगा, तब शुभ जय हे